हरिशंकर इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर एम पी आर्या। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप कैंप लगाकर सदस्यता अभियान चला रहे हैं जी, क्या टाइमिंग है आपकी और अब तक कितने सदस्य ने बने हैं? देखिए मैं लगभग अब तक 2100-2200 सदस्य बना चुका हूँ और मेरा लक्ष्य 5000 से ऊपर सदस्य अपने आप से बनाने का है। रोज ही मैं क्षेत्र में निकलता हूँ और गांव-गांव जाकर के सदस्य बनाने का काम कर रहा हूँ। आज अपने ही पेट्रोल पंप पर सुबह से सदस्यता का काम चल रहा है, आज भी 15-20 सदस्य बन चुके हैं, आगे शाम तक संभावनाएं हैं कि मेरे द्वारा 250-300 सदस्यता हो जाएगी। तो ये डेली का आपका काम है सदस्य नए बनाना? लगभग रोज जब से सदस्यता का काम शुरू हुआ है अपना क्षेत्र में भ्रमण और भ्रमण के साथ में ही सदस्यता का काम कर रहा हूँ। भ्रमण में कैसे रुझान आ रहे हैं सामने, क्योंकि दावेदार और भी हैं भाजपा के? हमें तो सब कुछ बहुत बढ़िया दिखाई देता है, क्योंकि जिस भी गांव में जाते हैं लगभग जितने उपस्थित ग्रामीण जन वहां पर होते हैं सब साथ साथ चल देते हैं, सभी स्वागत करते हैं, तो वातावरण तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन भाजपा के जो और दावेदार हैं वो बड़ी बड़ी सभाएं कर अपना बड़ा मजबूत दावा पेश कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए मैं किसी के लिए कोई टिप्पणी नहीं करता, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो काम कर रहे हैं उन सबका स्वागत है, लेकिन जो वास्तव में जिसको हम रूट वर्क कहते हैं, मूल कार्य जिसको कहते हैं, वो व्यक्ति से संपर्क है और वो डोर टू डोर संपर्क से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं हो सकता है। आप टिप्पणी क्यों नहीं करते हैं किसी के ऊपर, लोग आपके ऊपर करते हैं, आप बदले में उनके ऊपर क्यों नहीं करते हैं, वजह क्या है ऐसी? नहीं वजह और कुछ नहीं, मैं किसी भी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उन सबका स्वागत करता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, उसमें टिकट मांगने का हक हर एक को है, इसलिए टिप्पणी करने का कोई मतलब ही नहीं है।